हेलो क्लास नाउ टेक आउटर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक टुडे वी विल डू यूनिट सेवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके सो यू कैन सी हियर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज़ हैव प्लस वी थ्री हम क्या यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट अगर सिंगुलर होता है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं अगर कोई भी प्लूरल है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हैव नाउ यू कैन सी हियर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द सेक्शन डी ही नाज डिटर्मिनेशन यूनिट वेयर देयर इज अ विल ऑफ माय इंग्लिश रीडर सो यू कैन सी हियर आई हैव नेवर हैड अ प्राइज सो यहाँ पर देखिए क्या है हैव का यूज हुआ है आई के साथ एंड हैड का यूज हुआ है क्यों क्योंकि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है राइट यू हैव हर्ड ऑफ विंस्टर चर्चिल राइट तो यहाँ पर भी देखिए हैव और वी थ्री का यूज़ हुआ है द साइंटिस्ट हैज़ गिवन सो मैनी डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड एंड हेयर वी ऑल्सो यूज हैज एंड वी थ्री राइट

Not done so far, but to do. Follow the examples given below. Now you can see the video. You can pause the video and write it down. इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपने जो चीज़ें अभी तक नहीं की है बट आप करना चाहते हैं है ना तो मैंने कुछ चीज़ें अभी तक नहीं की हैं वो मैं करना चाहती हूँ सो आई Written here, you can also write different things right now. Come on, worksheet second, spot the differences. Look at two pictures given below. At the first picture, Rahul shows Rahul's room before he left for the school. The whole room is in a mess. His mother, Mrs. Jan, tidied the room after he left. The second picture shows the room after Mrs. Jan tidied it. it. Now write six things about what has changed. The first sentence has been written to help you. Now you can see here. First picture में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं Second picture में जो उसकी mom है Mrs. Jan, उन्होंने room को बहुत अच्छे से आ, uh, सही कर दिया है है ना सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं और आप यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है राइट सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर बुक नाउ वी विल डू वर्कशीट थ्री गेस वॉट हैज़ हैपन? अंकिता इज वेटिंग फॉर हर मदर एट द बस स्टॉप अंकिता बस स्टॉप पे अपनी मम्मा का वेट कर रही है एज शी इज़ वेटिंग शी लिसन्स टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन जैसे ही वो अपनी मम्मा का वेट कर रही थी तो वो वहाँ पे अदर पीपल्स जो और लोग होते हैं उनका कन्वर्सेशन सुनती है उनकी बातें सुनती है एंड ट्राइज टू गेस वॉट हैज हैपेंड फ्रॉम वॉट पीपल्स से टू ईच अदर और वो गेस करती है कि क्या हुआ है और जो एक दूसरे से लोग क्या कहना चाहते हैं फॉलो द एग्जाम्पल डन फोर यू एंड गेस वॉट हैज़ हैपेन्ड सो एक पहला वाला एग्जाम्पल आपके लिए करके दिया गया है और सारे आपको खुद से गेस करके करने हैं सो आई ऑल्सो सॉल्व फॉर यू यू कैन सी द पिक्चर्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड राइट इट डाउन ओके

उनका मूड देखना है कि वो पिक्चर्स में सभी पर्सनस का मूड कैसा है है ना लेट अस गेस व्हाट दे आर इन दिस व्हाई दे आर इन दिस मूड और आपको गेस करना है कि ये सभी लोग इस मूड में क्यों हैं है ना द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू सो जैसे कि इस फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख सकते हैं शी इज वरीड अबाउट हर सन हैज़ नॉट रिटर्न होम देखिए ये ममा है ठीक है ये उनका बेटा है और वो अपने बेटे के बारे में ही सोच रही हैं है ना कि वो घर अभी तक क्यों नहीं आया So, ऐसे ही दिस इज अ सेकेंड एंड थर्ड पिक्चर यू कैन सी एंड गेस देर मूड्स नाउ यू कैन सी लास्ट टू पिक्चर्स मोर ही इज लाफिंग बिकॉज ही हैज हर्ड अ जोक ऑब्वियसली बात ऐसा हो सकता है कि आप क्यों हंसते हैं अगर जोक सुना होता है आप हंसते हैं उस उसपे है ना ही इज एक्साइटेड बिकॉज ही हैज गॉट अ न्यू बाईसाइकिल एक्साइटेड दिख रहा है क्योंकि उसको नई बाईसाइकिल मिल गई है नाउ वर्कशीट फाइव वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट डाउन फाइव इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड टिल टूडे वन इज़ डन फो यू तो आपको अपने पार्टनर के साथ ये करना है ठीक है कुछ ऐसे फाइव इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखने हैं जो आज की डेट में हो सकते हैं जैसे कि मैन हैज लैंडेड ऑन द मून आज की डेट में क्या हुआ है कि मनुष्य चांद पर पहुँच चुका है, है ना मैन हैज ट्रेवल्ड इन स्पेस मैन हैज़ इन्वाइटेड बुल मैन हैज़ क्लाइंबड ऑन द माउंटेन एवरेस्ट मैन हैज़ इन्वाइटेड व्हील राइट नाउ कम हेयर डू इट योर सेल्फ रीड द फॉलोइंग आउटलाइंस ऑफ द न्यूज़ पेपर दैन कम्प्लीट द न्यूज़ रिपोर्ट दैट अपियर इन योर स्कूल मैगजीन तो क्या है कि आपको mm, कुछ आउटलाइंस दी गई हैं न्यूज़ पेपर की हैं आपको उनको स्कूल मैगजीन में अपीयर करना है कैसे करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ ऑल इंडिया पेंटिंग कॉम्पिटिशन आउट है ना सो so ये आप पढ़ लीजिए अपने मन से और समझिए इसको कि क्या करना है इसमें Now this is this is the second outline, right? You have to complete it by your own. Tarini is a star. So the result of all India painting competition are just out. Tarini, a student of our school, has won the first prize. She has broken all previous records as she has been declared first in all categories.

वॉज आज सम क्वेश्चन उसे सम क्वेश्चन पूछे गए हैं इमेजिन योर सेल्फ टू बी सोनाली अब आपको इमेजिन करने की आप सोनाली हैं एंड टेकिंग हेल्प फ्रॉम हर करिकुलम वेट और ये उसका करिकुलम वेट है इससे आपको हेल्प मिल सकती है राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन फर्स्ट वन हैज़ बिन फॉर यू सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं उसका करिकुलम वेट देख के राइट right?

जैसे कि कौन है सी एन जान के स्विम्स द चैनल सो यू कैन रीड इट देन आफ्टर क्या है देखिए आपको अंडरलाइन भी करके दिया गया है ना हैज मेड द अंडरलाइन वर्ड टेल्स अस एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक एक्शन एक टाइम पे कंप्लीट कर लिया गया है ना रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अंडरलाइन वर्ड्स इन रिपोर्ट्स दैट टेल्स एन एक्शन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अब आपको यहां पर भी किस टाइम पे क्या uh, action, कौन सा एक्शन कंप्लीट हो रहा है वो बताना है सो आई हैड ऑलरेडी डन यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज फोर नाउ एक्सपेंड द फॉलोइंग न्यूज हेडलाइन अब आपको न्यूज हेडलाइंस को कंप्लीट करना है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट्स। सो द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। सो देखिए हैज और हैव सब क्या टाइम को भी रिप्रेजेंट करते हैं राइट देन द डेथ रेट हैज राइजन ड्यू टू रोड एक्सीडेंट द वॉटर वेल इज रूरल एरियाज हैज्राइड नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेटेड टेंस प्रैक्टिस अब आपको यहाँ पे टेंस की प्रैक्टिस करनी है समझ में तो आ ही गया होगा आपको बिकॉज आपने इतनी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व की है नाउ सेकेंड वन फाइंड द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि कुछ करेक्ट वर्ड्स फिल करने हैं राइट यू कैन रीड दिस पैसेज एंड करेक्ट एंड फिल द करेक्ट वर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स ओके नाउ योर यूनिट सेवन इज फिनिश्ड, बाय बाय